के इस प्रांगण में पहुंचने वाली है। ये किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल जी आपके इस मुंडेरा बाजार में रुकते हुए प्रयागराज की धरती में आप आ चुके हैं। बस कुछ ही समय के बाद आपके बीच में उपस्थित होंगे। हमारे बीच में श्री सुंदरलाल पटेल जी आ चुके हैं, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। श्रीमान गुलाब यादव जी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच में श्री गामा प्रधान जी उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथ ही साथ हमारे बीच में कुलदीप शुक्ला जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे बीच में श्री कुलदीप शुक्ला जी, जी हाँ कुलदीप शुक्ला जी हमारे बीच में जो की पत्रकार है वो भी उपस्थित है, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच में फजल आजम जी उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सभी साथियों का, सभी नौजवानों का, समाजवादी पार्टी के तमाम नेतागण का, तमाम वरिष्ठ नेतागण का, तमाम युवा नेतागण का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं सलमान अहमद कैसर बमरौली श्री तारिक सईद अज्जू जी की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आप अपनी अपनी मोटरसाइकिलें अपनी अपनी अभिनंदन करते हैं। साथियों दोस्तों, यात्रा हमारे आपके बीच में बस पहुंचने वाली है। हमारे बीच में अभी अभी समाजवादी पार्टी के हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और हमारे जितने भी नौजवान अभिनंदन किया जाता है, श्री मंसूर आलम जी के साथ जितने भी उनके साथीगण समाजवादी पार्टी के साथीगण यादव जी यहाँ पर मौजूद है, सीएमपी डिग्री कॉलेज के पूर्व जिला सीएमपी कॉलेज के अध्यक्ष रहे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। साथ में बलवीर पाल जी हैं, तमाम उनके साथीगण हैं। इमरान हैं दूर दराज से, हमारे सभी सुचिंतक तारिक सईद अज्जू जी से जुड़े हैं लोग यहाँ पर आए हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वकीला भाई पावन की धरती से आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। Let's go.
नरेश उत्तम पटेल जी बस कुछ ही क्षणों के बाद हमारे आपके बीच में उपस्थित होने वाले हैं। यात्रा बहुत दूर से आ रही है। तमाम समाजवादी पार्टी के नेतागण, कार्यकर्तागण, नौजवान साथी बीच बीच में यात्रा रुकते रुकते उनका स्वागत सम्मान करते हुए आगे बढ़ती हुई इधर को आ रही है। हम आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। कल्याण बचाओ, कुटीर उद्योग बचाओ, रोजगार दो, किसान नौजवान पटेल यात्रा के सम्मान में आयोजित इस सभा के अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष इतिकार भाई, जिला अध्यक्ष योगेश जी, महामंत्री संदीप पटेल जी, महामंत्री रविंदर जी, पूर्व विधायक हमारे परवेश भाई, हमारे सभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित भाइयों, नौजवान दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस किसान नौजवान पटेल यात्रा का इतना शानदार स्वागत किया, मेरा मनोबल बढ़ाया, हमारे आत्मबल को बढ़ाने का काम किया। मैं आप सभी का हृदय से तारिक सईद अज्जू साहब और उनके सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। आप इतनी बड़ी तादाद पर इस किसान नौजवान पटेल यात्रा का स्वागत करने आए और ये यात्रा माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर मैंने 29 अगस्त से निकाली है और आज 3 अक्टूबर है। लगभग 36 दिन होगा इस यात्रा को चलते हुए। मैंने गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, देवीपाटन मंडल, फैजाबाद मंडल, लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल और इलाहाबाद मंडल, ये सारे मंडलों को करते हुए मैं आपके बीच में हूँ। आपका सम्मान पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और आप लोग सभी लोग किसानों के कैसी हैं, गांव में रहने वाले लोग जो खेती से जुड़े हुए हैं, जो कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे कारोबार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नष्ट कर दिया, पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया। आर्थिक नीतियाँ इतनी खराब है जिससे गरीब आदमी, कमजोर आदमी, छोटे छोटे काम करने वाले आदमियों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। दिन प्रतिदिन महंगाई से हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने 90 दिन के अंदर महंगाई कम करने की बात कही थी। आज देखिए महंगाई का हाल क्या है। जो 90 जो हमारा 43 रुपए का लीटर डीजल मिलता था वो 90 रुपए लीटर हो गया, जो 63 रुपए वाला पेट्रोल 107 रुपए का हो गया, जो रसोई गैस का सिलेंडर 350 का था वो 950 का हो गया, खाद का दाम बढ़ा, खाद की बोरी का वजन घटा दिया, बिजली का दाम बढ़ा दिया, दवा का दाम बढ़ा दिया, पढ़ाई का दाम बढ़ा दिया, सिंचाई का दाम बढ़ा करके हम सबके सामने बहुत मुसीबत खड़ी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमारे नेता लोग कहते थे, पहले भी हमारे वरिष्ठ नेता कहते थे, भाजपा दो मुही पार्टी है, ये दोहरे चरित्र की पार्टी है, जो कहती है वो कभी नहीं करती है। नरेंद्र मोदी ने कहा था किसानों की आय का हम जो उनकी फसल है उसका 1.5 गुना देंगे, लेकिन आज किसान अपना महंगाई के कारण अपनी फसलों का उत्पादन का दाम औने पौने बेच करके मजबूरी में जी रहा है।
ऐसी नकारी सरकार, इतनी वादा खिलाफी करने वाली, इतनी तानाशाही करने वाली, इतनी डिक्टेटरशिप करने वाली संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी के राज में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के राज में जंगल राज है। यहाँ पर किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है। कोरोना के नाम पर करोड़ों लाखों रुपए लूट किया, ऑक्सीजन के अभाव में, दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में न जाने कितने लोग मौत के मुंह समा गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही है, लगातार झूठ बोल रही है कि हम आप पर कैपिटा आमदनी बढ़ा दिए। आज हमारे देश की पर कैपिटा आमदनी घटी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में माहिर है। एक बात को हजार बार झूठ बोल करके जनता के दिमाग में ऐसा करती है कि लगता है ये सच बोल रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में इतना ज्यादा झूठा कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं होगा जितना भारत का राष्ट्राध्यक्ष है। झूठ बोलकर जनता को गुमराह करके वोट लेकर के उनके खिलाफ काम करना इनकी आदत में है, इनकी फितरत में है, इसीलिए पूंजीवाद को बढ़ा रहे हैं। आज पूंजीपतियों को बढ़ाते हैं, उनके पैसे से काम करते हैं, केवल पूंजीपतियों की लाइन पर चलते हैं और उन्हीं के हिसाब से भारत की नीतियां बनाते हैं। हमारे 3 किसान बिल पार्लियामेंट में आए, इन किसान बिलों पर हमारे नेता अखिलेश यादव जी, माननीय राम गोपाल जी ने राज्यसभा में कहा कि इन पर चर्चा करा लो, बहस करा लो, बहस से कोई निष्कर्ष निकलेगा और गुण दोष के आधार पर ये किसान बिल किसान बिलों को पास करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तानाशाही पूंजीवादी रवैया है, बिना कृषि बिलों पर चर्चा किए हुए 3 काला कानून पास कर दिया। और जब भारत का किसान अपनी फसलों के मूल्य की बात करता है कि हमको भी आप MSP दो, तो मोदी बोलते हैं MSP है, MSP थी, MSP रहेगी, इस तरीके की बात करते हैं। लेकिन जब भारत के किसान MSP की गारंटी मांगते हैं तो उनके ऊपर लाठी चलाते हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, उनके ऊपर पानी की बौछार करते हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाते हैं। आज की घटना है लखीमपुर में, हमारे किसान भाइयों ने, जो केंद्रीय मंत्री है लखीमपुर का, उसके भाजपा के लोगों के सामने धरना दे दिया, उनके ऊपर भाजपाइयों ने गाड़ी चढ़ाकर लगभग 8 किसान, जो मीडिया ने मुझे बताया है कि 8 किसान की शहीद हो गए। यह है भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए, न किसी का जीवन सुरक्षित है, न किसी का किसी तरीके का कोई इंतजाम, इसलिए इस जालिम सरकार को हटाने के लिए आपस में भाइयों, आप सबको मन बनाना होगा। आगामी 2022 के चुनाव में आप सब लोग एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव के सिद्धांतों पर, उनकी नीतियों पर, उनकी उपलब्धियों पर चल करके हमको परिवर्तन करना है। मुझे उम्मीद है इलाहाबाद के समाजवादी पार्टी की झोली में जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे बल दिया, आप बल को बढ़ाया, मनोबल को बढ़ाया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय समाजवाद।